हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी। इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपीएसआई के रिजल्ट के रिगार्डिंग आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यूपीएसआई का रिजल्ट जो है वो कब तक आ सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो यूपीएसआई का जो रिजल्ट अटका हुआ था वो होली की वजह से लटका हुआ था। होली जो है वो आपकी वो भी खत्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है होली, है ना। और आज भाई दूज है, जिसमें एक छोटा सा फेस्टिवल और होता है, तो ये भी आज खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद जो प्रायोरिटी होगी उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की, वो होगी यूपीएसआई के रिजल्ट के रिगार्डिंग। क्योंकि मैं जब से मैं यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में अपडेट दे रहा हूँ, तब से मैं आपको एक बात जरूर से बोल रहा हूँ कि यूपीएसआई के रिजल्ट में ये लोग देरी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपकी रनिंग मई और जून जो है वो खिंच गई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है स्टूडेंट को। फिर उनको हर ग्राउंड में कम से कम 10 से एम्बुलेंस जो है वो वहाँ पर खड़ी करनी पड़ेंगी। क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर एक स्टूडेंट को रनिंग करने में। और फिर तो यहाँ पर लॉन्ग रनिंग है, यानी कि 4800 मीटर की रनिंग है, जो कि 28 मिनट में पूरी करना है, ठीक है। तो ये लोगों की जो प्रायोरिटी होगी वो होगी अप्रैल के मंथ में पूरी रनिंग को कंप्लीट करवाने की, है ना। तो ऐसे में कई स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं कि सर यूपीएसआई का रिजल्ट या रनिंग जो है वो कब तक हो सकती है। देखो, मैं आपको बता दूं, रिजल्ट मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ कि मार्च के लास्ट वीक में आने की पूरी पूरी संभावना है। और ये मार्च का लास्ट वीक लगभग या मार्च का लास्ट 10 दिन स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। इसके बीच ये कभी भी जो है वो रिजल्ट आ सकता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक हफ्ता, रिजल्ट के एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लोग करवा लेंगे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और अगले हफ्ते आपकी रनिंग भी करवा लेंगे। मोटे तौर पर देखा जाए 15 दिन में आपका सारा काम जो है ये खत्म कर देंगे उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड वाले, है ना। तो आप ऐसे में ये सोच रहे हैं कि मेरे पास रनिंग के लिए अभी सफिशियंट समय बचा हुआ है, तो भूल जाओ। अब आपका जो काम है वो है आपका दोनों टाइम। जिसकी रनिंग अभी तक नहीं निकल रही है, तो आपको दोनों टाइम रनिंग करना जाना है। सुबह आपको क्या करना है, सुबह आपको जो रनिंग निकाल आपको रनिंग निकालने का प्रयास करना है, और शाम को आपको लॉन्ग रनिंग करना है। सपोज कीजिए आपको 4800 मीटर दौड़ना है, तो आप कोशिश करो 6 किलोमीटर दौड़ने का, है ना। उससे आपकी स्टेमिना गेन होगी, और जब स्टेमिना गेन होगी, जब आप 4800 मीटर की रनिंग लगाओगे, तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो ज्यादा दौड़ने का प्रयास करोगे तो आपकी टाइमिंग जो है वो खुद ब खुद निकल जाएगी। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, अगर आप अपने जिस भी ग्राउंड में प्रिपरेशन कर रहे हैं रनिंग की, उस ग्राउंड में अगर आपने रनिंग नहीं निकाली, तो आपको मोटिवेशन कहीं से फील नहीं होगा। कोशिश करना उस ग्राउंड में रनिंग निकालने की, है ना। 2 से 4 बार कोशिश करना, अगर नहीं निकल पा रही हो, फिर भी अंतिम समय तक जो है वो लगे रहना कि हमको इस ग्राउंड में रनिंग जो है वो निकालनी है, है ना। जिस भी आपका जो होम ग्राउंड होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। और कोशिश ज्यादा तौर पर ये भी करना कि जिसके होम ग्राउंड में 400 मीटर का राउंड नहीं है, तो आसपास की जो जगह होती है आपसे 2-4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड ऐसा मिल जाएगा जिसमें 400 मीटर का राउंड जरूर होगा, तो उस ग्राउंड में जरूर से प्रैक्टिस करके आना। क्योंकि ये बात बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि आपको 400 मीटर का राउंड देखने को मिलेगा, यानी कि 4800 मीटर को कंप्लीट करने के लिए आपको 12 राउंड लगाने पड़ेंगे। तो साइकोलॉजी इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, कहाँ 12 राउंड, और होम ग्राउंड में सपोज करो आप 800 मीटर का राउंड लगा रहे हो तो 6 राउंड, तो एक थोड़ा सा माइंड सेटअप जो है वो बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको होम ग्राउंड या कोई भी ऐसा ग्राउंड जिसमें 400 मीटर का राउंड हो, तो उसमें जरूर प्रैक्टिस कर लेना कम से कम एक हफ्ते, है ना। इतना आपसे मेरा एक गुजारिश है, ये आपके लिए ही बढ़िया होगा अगर आप 400 मीटर का राउंड जो है वो लगाते हैं, ठीक है। ये आपके लिए ही बहुत ज्यादा अच्छा साबित होगा जब आप रनिंग करने जाएंगे यूपीएसआई की, ठीक है। उसके बाद जिनकी रनिंग नहीं निकल रही है, तो वो सुबह और इवनिंग, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों समय रनिंग के लिए जाएं, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। दोनों में से किसी एक टाइम रनिंग निकालने का प्रयास करो, और एक टाइम आप लॉन्ग रनिंग करने की कोशिश करो, है ना। और बाकी दिन आप घर पे आराम भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। अगर आपकी प्रायोरिटी यूपीएसआई है, तो आप रनिंग पे विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यही बताना था फिलहाल की इस वीडियो में। कई लोग रनिंग के बारे में और रिजल्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो रिजल्ट में आपको हमेशा से बता आ रहा हूं कि मार्च के लास्ट वीक में कभी भी रिजल्ट आपका आ सकता है, और 15 दिन के अंदर ये डीबी और पीएचटी दोनों करवा लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। क्योंकि इनको रनिंग बहुत लंबी नहीं खींचना, मतलब मई और जून तो भूल ही जाएगा, मई और जून में ये रनिंग करवाएंगे। क्योंकि भीषण गर्मी पड़ती है, और उसमें रनिंग करवाना इनके लिए ही बहुत ज्यादा चैलेंजिंग साबित होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्राउंड में ही हो सकता है रनिंग करते करते गिर जाएं। ऐसा मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन एक्चुअल में जो देखा जाता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अनअकैडमी पर हिंदी का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप परचेज करना चाहते हैं इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है विदाउट स्पेस अप्लाई कीजिएगा, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन के लिए अनअकैडमी के आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।